लोगों के, तो बंदा बंदे के पैसा वसूल है जब बंदा बाहर निकलेगा। बहुत सस्ता है हाँ। दो लोगों की मसाजे भी हो रही है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, डॉक्टर भी बैठे हैं, मिल रहा है, रूम रेंट भी नहीं पे करना, सब कुछ उसी के अंदर है, कंसल्टेंसी मिल रही है और इतना बढ़िया 5 स्टार आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है पूरा। हाँ, चेतावनी, कुछ चीजों की चेतावनी मैं बोल लूँ कि जो बंदा सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, गुटखा पीता है, उनके वो तलाशी के दौरान सारा निकल जाता है। और अगर मान लो आप चोरी छिपे पकड़े गए तो 500 रुपया फाइन है और आपको वहां से निकाला भी जा सकता है, आप गलत काम नहीं कर सकते। दूसरा, वहां पे ज्यादातर साधक बोला जाता है, लोगों को साधना करने जाते हैं, तो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ लोग बड़े शलीन व्यवहार करते हैं। मान लो कोई शरारती है या देसी भाषा में कमीना आदमी है, तो वो धरती ऐसी है, वहां जाते आप अपना कमीनापन भूल जाओगे। जैसे मान लो रावण, अगर रावण को मैं वहां उतार दूं तो सीता मैया को उठाएगा नहीं, वो पूजा करेगा कि तू मेरी माँ है। वहां माहौल इतना अच्छा है, तो बहुत ही फ्रेंडली। और दूसरी बात, वहाँ का स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है, वहाँ पे जितने भी हैं, चाहे आपके घर में कमरे में झाड़ू मारने आ रहे हैं, पोछे वाले आ रहे हैं, या खाना सर्व करने वाले हैं, या मसाज वाले हैं, या डॉक्टर हैं, माहौल बड़ा फ्रेंडली रहता है। डेली आपके कमरे की सफाई होगी, चादरें बदली जाएंगी, आपका बाथरूम क्लीन किया जाएगा, बाहर बिल्कुल सब नीट एंड क्लीन रखा जाएगा, पौधों की कटाई, हर चीज की। बस एक ही चीज इसमें ज्यादा सारा जो टाइट वाला माहौल है कि टाइम की बड़ी जबरदस्त पाबंदी है, अगर आपने टाइम में गड़बड़ की तो फिर मामला फुस हो जाएगा। तो हालत ये है कि आपको फोन उठाने की हाँ, नहीं मिलेगी, फोन लोग लेके नहीं आते वहाँ पे। ये है कि फोन हाँ थोड़ा सा, देखिए कहते हैं कि जहाँ पे इंसान पहुंच गया वहां पे थोड़ी सी शरारते तो पहुंच जाएगी, कि अपने सामान का ध्यान जरूर रखना है। वहां आप जाएं तो अपनी सारी ज्वेलरी घर ही छोड़ जाएं, सोना चांदी जो पहना हुआ है, क्योंकि अब तो साधना करने जा रहे हैं, कैश आपको लिमिटेड उठाना है। हाँ, वहां पे डेबिट कार्ड नहीं चलता, वहां पे डेबिट कार्ड चलता है, डेबिट कार्ड या कैश, वहां भी पेटीएम ये ऐप नहीं चलते हैं। तो ध्यान रखें कि अगर आप डेबिट कार्ड नहीं यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड जेब में डाल के लेके जाएं और कैश लेके जाएं। अगर डेबिट कार्ड में पंगा हो तो आप कैश लेके अपना काम चला सके, वॉलेट नहीं चलते हैं वहां पे। जैसे अगर आप कोई सामान ले जाना भूल गए तो वहाँ छोटा सा उन्होंने एक मॉल टाइप दिया हुआ, हाँ, वहाँ से सामान खरीद सकते। सामान खरीदने के लिए अंदर पतंजलि का पूरा एक वो है मॉल, उसका मैंने वीडियो दिया हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ पे A to Z हर एक चीज ले सकते हैं, पर उसमें जूते चप्पल कपड़े सब कुछ है। बिस्कुट, नमकीन, पतंजलि के ये सब खाने को नहीं मिलेगा, वो लोग स्टोर वाले ही आपको नहीं देंगे, कहेंगे कि आप साधक हो, अभी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको सर्फ चाहिए, साबुन चाहिए कपड़े धोने के लिए, शैम्पू जी, हाँ, वो सब आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, आप जब जाते हैं तो वहाँ पे 2-4 लुंगियाँ लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे ना एक चीज बड़ी जबरदस्त है कि हर 2 मिनट में कपड़े बदलने पड़ते हैं, जिसे कहते हैं चलो भी कपड़े उतारो, मसाज करनी है, तो अंडरवियर ज्यादा लेके जाएं और लूज कपड़े कि जिन्हें उतारना पहनना आसान हो, हाँ हाँ, जो लेडीज हैं वो गाउन लेके जाए, या जिसे कहते हैं वो जो साड़ी के नीचे पहनते हैं पेटीकोट्स लेके जाए, ठीक है ना। और दूसरी बात की बहुत सारे लोग होते हैं कभी सांझे में कपड़े नहीं उतारे होते, तो वो शर्म वहां उतर जाती है, जाती वक्त है भाई चलो लेटो, सरसों के तेल की मसाज होनी है, मसाज कॉमन प्लेस पे होती है जहाँ पे 20-30 बेड डले होते हैं, मान लो कि जिस चीज का शरीर भद्दा है, पहले दिन तो शर्म आती है, फिर सब तो कहते भाई हमाम में तो नंगे ही है, अब इलाज करवाने आए हैं, कपड़े तो उतारने पड़ेंगे, फिर बंदा पहले कपड़े उतार के खड़ा होता है कि जी मेरी ट्रीटमेंट शुरू करो। तो ये जैसे आप जाएंगे, हम बाकी अब लोगों से अट्रैक्ट करेंगे, लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, आपको सारी बातें बताते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे वो कहेंगे मैं छठी बार आ रहा हूँ, विभिन्न तरह की पर्सनालिटी आपको देखने को मिलती है, बहुत अच्छा माहौल लगता है, आपको घर वालों से भी बात करने की कभी टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे मुझे वहाँ पे देश की तकरीबन मेरे काफी दोस्त बने, कलकत्ता के मिले, बनर्जी जी मिले, एक मुझे खान साहब मिले जो अंडोमान निकोबार द्वीप समूह से आए थे, वो वहां पे वो और उनकी वाइफ लाइब्रेरियन है, हेड लाइब्रेरियन, 2 लड़कियों के साथ आए थे, 4 लोग आए थे, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आते हैं, ये नहीं है कि वो हिंदुओं के लिए बना, कोई भी जाति जाओ सबका स्वागत है, कोई उसमें पंगा नहीं है। और वहाँ पे जो खाना खिलाया जाता है उसकी रेसिपी क्लास भी होती है, हाँ, बुधवार के दिन दोपहर में 1:30 बजे। अच्छा, अगर रेसिपी भी सीखनी है वहाँ की तो वो क्लास भी अटेंड कर सकते, सब कुछ फ्री में है। अच्छा, एक वहाँ पे शायद वो शटक्रिया होती है कि जिसमें आपको पानी पिला पिला के पेट शंख प्रशालन बोलते हैं, शंख प्रशालन मतलब ये है कि आपको 2-3 घंटे में गुनगुना पानी पिलाया जाएगा, सादे नमक का, जब तक कि आपके मुंह से जो पानी पी रहे हैं आपके गुदा द्वार लैटरिन की जगह से सेम पानी ना निकले, तो पूरी बॉडी को क्लीन किया जाता है।
बॉडी क्लीन करने में 3-4 घंटे लगते हैं पूरी। उसके बाद आपको देसी घी वाली खिचड़ी देके सुला दिया जाता है। उस दिन आपका उस दिन और कोई काम नहीं होता, उस दिन आपकी सारी बंद कर जाती है, सारी मसाजें बंद जाती हैं। और ये शनिवार को होता है जनरली, तो पहले रात से ही आपकी रोटी बंद कर देते, खाना बंद करवा देते हैं और अगले दिन आपके पेट की पूरी सफाई करते हैं। और इतना पानी आपको पिलाया जाता है, बार बार आपको लैटरिन मोशन कराया जाता है कि जब तक आपको जो ऊपर से पानी पी रहे हो और नीचे से, तो बिल्कुल दोनों का कलर सेम ना हो जाए, बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। वो वहाँ पे बहुत सारी साफ सुथरी लैटरिन बनी है, वहाँ पे आप जाइए, उस दिन भी रोज कपड़े पहन के जाइए क्योंकि बार बार कच्चा उतारना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको कोई ना योगा क्लास करनी है, ना आपको कोई मसाज करनी है, ना आपको ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करना, आप जाइए और रेस्ट कीजिए सर। फिर आपको दोपहर में और शाम को सिर्फ खिचड़ी दी जाएगी। और ये बड़ा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है कि अगर आप एक बार गए, अब मान लो आपकी उम्र है 15 साल तो आपको लेके जाएगा कोई, और मान लो फिर आपकी उम्र है 30 साल या फिर आप, सबसे बड़े दुख की बात है जो 50-60 में जाते हैं, जो बीमारी से ग्रस्त हो गए, उन्हें बड़ा दुख होता है कि यार हमें तो पता ही नहीं था कि एक ऐसी जगह भी होती है जिससे हम नेचर की मदद से ठीक हो सकते हैं थोड़े से पैसों में। हाँ, फिर एक बात और है कि जब आप वहां चले जाते हैं तो आपको ज्ञान हो जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। अगर आप गलत चीजें खाते हैं तो आपकी आत्मा आपको कटोचती है कि यार मैं मोटा हूँ मुझे फैट नहीं लेनी चाहिए, या मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ मुझे मीठा नहीं लेना चाहिए, ये मेरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा। तो वहाँ पे आपको ज्ञान हो जाता है कि ये शरीर एक आपका मंदिर की तरह है जिसकी हमें केयर करनी है, देव देवालय शिवालय है जिसे हमने खराब नहीं करना है। तो ये ऐसी सारी बातें रहती हैं। तो जैसे आप वहाँ पे इन चीज़ों को सीख लेंगे समझ लेंगे तो फिर घर आके भी आप उसका पालन करेंगे। तो ये सुबह हम आपके लिए वीडियो लेके आए कि वहाँ पे ऐसे ही शांति वाला माहौल रहता है, वहाँ जाइए फिट फैट रहिए और हमारा चैनल सुपर डुपर इंडिया इसे देखते रहें, प्यार बनाए रखें। और मैडम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगी चैनल के बारे में। हाँ जी मैम बताइए लोगों को। देखिए हमने इसमें सारी जो जानकारी हमने वहाँ हासिल की है, हमने वहाँ महसूस की, वो सारी एग्जैक्ट हमने आपको बताई है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं इसका लाभ सभी को हो, सभी स्वस्थ हो। कोरोना वायरस के कारण आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो, खुश हो, और वहाँ खुश रहना सिखाते हैं और जिंदगी को एक्चुअल में जीना सिखाते हैं। और सही बताएं, जब आप वहाँ जाएंगे तो सिर्फ एक वही ऐसा टाइम है जो आपने 100% अपने लिए दिया है, किसी को नहीं दिया, ना ही कोई आपका टाइम चुरा पाएगा, क्योंकि आपको सुबह 4 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक आपका टाइम टू टाइम हर एक घंटा आपका पहले से ही आपका रीशेड्यूल्ड है। आपको खाने की टेंशन नहीं लेनी, आपको बनाने की नहीं लेनी, सिर्फ आपकी सेवा हो रही है और आप भी सिर्फ अपनी हेल्थ पे। क्योंकि कभी भी कोई भी आज की डेट में जैसे भागती दौड़ती दुनिया है, इस दुनिया में कोई भी अपने शरीर पे ध्यान नहीं देता, देता है तो मुश्किल से घंटा 2 घंटा अपने खाने पे। वहां जाने के बाद ऐसा है कि आपके पास सिर्फ आपकी सेहत के अलावा कोई बात ही नहीं है, सिर्फ आप अपने बारे में सोचो, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने हेयर्स, अपनी आईज, अपने स्टमक, अपने अपनी स्किन, सब चीज आप अपने ही बारे में सोच रहे हो। बड़े अच्छे अच्छे ब्यूटी ट्रीटमेंट होते हैं और जिस दिन लास्ट डे आते हैं, दांतों का भी हॉस्पिटल है, मान लो दांत खराब है तो आप दांत भी ठीक करवा सकते हो, मसाज के अलग वहाँ पे छोटी छोटी और कुटिया, बाकी और हट्स भी हैं कि वहाँ पे जो स्पेशल ट्रीटमेंट है, जैसे किसी का ब्रेन वीक है तो ब्रेन के लिए क्रिया को कहते हैं जिसमें ऊपर से 20 तरह का तेल डाला जाता है, उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है वहाँ पे, अलग अलग ट्रीटमेंट। शिरोधारा से आपका वो तेल को 3 बार ब्रेन के ऊपर घुमाया जाता है, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट है, बहुत सारी हर्ट्स है। जब आए तो औरतें और जेंट्स जो भी है वहाँ पे इतने ज्यादा गुलाब खिले हुए, गुलाब की पत्तियों से, एक्चुअल में गुलाब की पत्तियों से उससे आपका फेशियल कराया था फुल बॉडी का। तो वहाँ पे बहुत कुछ है, एक बार जाइए। बाकी हम और जानकारी लेके एक वीडियो और देंगे, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, तो वहां जाके आप अपनी इम्यूनिटी को गेन कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।